सबसे पहले संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 9 जून जो बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर आज खोरहा पतरा टोली के धरती पर आए हुए गुमला जिला के हरेक गांवों से हमारे भाइयों एवं बहनों, बुद्धिजीवी साथियों सभी को जोहार, जय मूलवासी। और जो आज शासक जातियों के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करना उनके संवैधानिक अधिकार वंचित करने का षड्यंत्र एक मंथन है, तो आज शासक जाति कौन है ये हमको जानना होगा। और बामसेत के जितने अपशूटविंग कार्यकर्ता जब आपके पास जाते हैं तो अपने विचार को बताते हैं, बामसेत के विचारधारों को बताते हैं और कहते हैं कि हम ये आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं और एक महापुरुषों का विचारधारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो एक अजीब सा लगता होगा कि भारत तो 1950 में आज़ाद हो गया था और ये आज़ादी का आंदोलन की बात कर रहे हैं। और हम जो है 1950 से पहले हम दोहरी गुलाम थे, हमारे एक तो ब्राह्मणों के गुलाम और एक तो जैसे अंग्रेज से पहले मुगल आया और मुगलों का गुलाम। मुगल यहाँ पे 800 साल तक राज किया, उस समय आजादी का आंदोलन हमारे महापुरुषों ने चला रहे थे, लेकिन वेद के अनुसार से जो हमारे इस देश में व्यवस्था से चल रहा था इसके वजह से हमें कुछ चीज का अधिकार नहीं था, ना हमें पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना हमें संपत्ति रखने का अधिकार था, ना हमें राज करने का अधिकार था। तो इससे पहले जाना जाए कि हम सिंधु घाटी में विश्व में पहला स्थान जो है हमारे सिंधु घाटी में था और सिंधु घाटी में हम सब एक थे, हमारे पास भेदभाव छुआछूत नहीं था। और वहां पे यूरेशिया से आए हुए आर्य ने हमारे स्थानों को उथल पथल किया, हमारे लोगों के साथ आक्रमणकारी किया, हत्या किया और इतने जोर जो है कि युद्ध चला कि उस युद्ध से हमारे लोग हारे। अब हारे हुए लोग कुछ ब्राह्मणों का गुलामी स्वीकार कर लिए जो उनके साथ रह गए और हार तो गए लेकिन आपका गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, ये
ऐसा कहे और वो जो है कि जंगल की ओर चले गए। वो आज जो है आदिवासी है और जो गुलाम बन के रह गए वो ओबीसी है। ओबीसी का जाति 3743 जाति में बांट दिया गया ओबीसी को। और आज जो है कि हमारे अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हमारे जितने भी महापुरुष तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिराव फुले, ये हमारे शिक्षा से वंचित रखे और शिक्षा के लिए लड़ाई लड़े ज्योतिराव फुले और हमारे जल जंगल जमीन को रक्षा किए आदिवासी लोग और उस जल जंगल जमीन पर सजाया हुआ जमीन पर विदेशी कंपनियों के द्वारा जमीन को तेजी से खत्म किया जा रहा था। उस समय हमारे तिलका मांझी, बिरसा मुंडा लड़ाई लड़े और इसी तरह से अभी जो बामसेत के अपशूट विंग संगठन के कार्यकर्ता लोग ने आपके बीच में जा करके आपके अधिकार के विषय बताते थे, उसी तरह से हमारे बिरसा मुंडा ने हम सभी समाज के बीच जाकर बताते थे कि आप तुम एक हो जाओ नहीं तो तुम्हारी जमीन जो है धूल की तरह हवा में उड़ जाएगी और अपने बहू बेटियों की इज्जत बचाने लायक नहीं रहोगे। तो फिर लड़ाई जारी रखते हुए अंग्रेज लोगों ने जो है कि तबाह हो गए। अंग्रेज ने अंग्रेजी और आदिवासी के क्षेत्रीय भाषा को मिलाया, उससे बाद पता चला कि ये आदिवासी लोगों को ये हम लोगों से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई साहूकार जमींदारों से लड़ाई है। तो आज जो हमें अभी भी अधिकार देने का जो बात कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे महापुरुष तिलका मांझी, बिरसा मुंडा लड़ाई लड़े, जितने हमारे महापुरुष लड़े उनका सबका समस्या भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है संविधान में सबका समस्या समाधान कर दिए। तो आज अगर हम पढ़ लिख कर शिक्षित होकर बड़े बड़े अफसर जितने बने हुए हैं, तो ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत बने हुए हैं। इसलिए उनको यहाँ के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को कभी एक नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का संपत्ति को लूटना है और इन लोगों पर राज करना है और इनको गुलाम कैसे बनाकर रखना है ये ब्राह्मण भली भांति जानते हैं। तो आज हम लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिलाकर 6743 जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं और 6743 जाति ये वैज्ञानिक स्रोत पर एक डीएनए के आधार से साबित हो गया है कि एसी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी ये एक डीएनए का भाई है। और हमारे ऊपर राज कर रहे ओबीसी के सबसे बड़ा जो है कि इस देश में देखा जाए तो ओबीसी की संख्या भारी है, इसलिए ओबीसी लोगों को जाति जनगणना
शासक जाति के लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर जाति जनगणना हो जाए, ओबीसी को पता चल जाए, तो ओबीसी अपना हक अधिकार मांगना शुरू कर देंगे। अभी ओबीसी का प्रधानमंत्री अभी तीसरा शपथ ले रहा है, तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। पहले बार ही बोला था कि जैसे मैं सरकार बनता हूं वैसे ओबीसी की जाति जनगणना करवाऊंगा, और जैसे ही सरकार बनते ही उसका बयान बदल जाता है। कहते हैं कि जब तक मैं रहूंगा तब तक ओबीसी के जाति जनगणना करवाऊंगा नहीं, क्योंकि आज वो इस देश में, अब ये देश चार पिलर से चल रहा है, चारों पिलर में ब्राह्मण का कब्जा है। ये ब्राह्मण चला रहे हैं, आरएसएस चला रहा है, और नेशनल लेवल पे दो पार्टी जो है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टियां आरएसएस कंट्रोल करता है, आरएसएस चलाती है। ये आपके सामने एक मुखौटा बनाकर रख दिया गया है कि आप बीजेपी नहीं चाहिए तो कांग्रेस लीजिए, कांग्रेस नहीं चाहिए तो बीजेपी लीजिए, लेकिन काम दोनों आरएसएस के का नाम पर ही करेंगे चलेंगे। इसलिए ये शासक जाति के लोग कभी जो है, कभी आदिवासियों को जो है, जैसे सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, तो हम एक समय देने लायक थे, आवाज मांग रहे हैं, हम पहले देने लायक थे, आज हम मांग रहे हैं। तो आरएसएस ब्राह्मण ने सोचा कि हम इन लोगों को पूरी तरह से जो है कि कब्जा कर लिए, इन लोगों का खुद अधिकार मिला हुआ है और हमसे मांगता है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोले थे कि जो कौम अपने इतिहास नहीं जानता वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो हम लोग इतिहास को नहीं जान रहे हैं, इसके चलते आज हम उसके साथ पास मांगने जाते हैं। तो हमें शिक्षा से दूर रखा गया, तो इतिहास मालूम कहां से होगा? हमें इतिहास से दूर रखा गया तो शिक्षा का शिक्षा से दूर रखा गया तो इतिहास का मालूम कहां से होगा? और जब हमारे शिक्षा का अधिकार नहीं था तो हमारे लोग इतिहास लिखेंगे कहां से? अगर हमारे हम लोगों को शिक्षा का अधिकार रहता, हम लोग पढ़े लिखे रहते, तो हम अपना इतिहास को लिखते। इसके वजह से हम इतिहास को भी नहीं लिख सके। लेकिन एक हमारे आदिवासी जब जंगल की ओर भाग के गया, उस समय ब्राह्मणों के आर्यों के द्वारा हमारे जितने भी इतिहास था सब जला दिया गया, राख कर दिया गया। ऐसा बुजुर्ग कहते थे कि हमारे इतिहास को जलाने में 6 महीना लगा था। तो उस समय हमारे बुजुर्ग ने जंगलों की ओर भागे, तो उन लोगों ने सोचा जब हमारे इतिहास को जला दिया गया तो हम आने वाले पीढ़ी को क्या बताएंगे, कैसे रखेंगे? अगर कहीं संविधान भी रखते हैं तो इन आर्य लोगों ने फिर से खत्म कर देगा। तो हमारे आदिवासी ने कुड़ुक भाषा में कहा गया था, कुड़ुक भाषा में
कि नमः इतिहास उर्मी ओल्डरा केरा ओल्डाचा टीचर अब बनने वाला खदर इंदर ये दो तो हमारे महापुरुषों लोग समीक्षा किए कि नहीं एक जगह है एक रास्ता है और एक उपाय है हम लोग बचा के रख सकते हैं। तो कैसे तो हम जो है कि अपने गीत के माध्यम से अपने संस्कृति कला को बचा के रख सकते हैं। अभी भी जो है आदिवासी में जगह जगह में जाइएगा।